प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने जमान में रखे, आपको हर बुरी नज़र, हर बुरी घड़ी से बचाए। आमीन सुमा आमीन। तो प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो है कि हम घर पर एलोवेरा जेल कैसे तैयार कर सकते हैं। एलोवेरा तो एक आपको मालूम ही है, एक मैजिकल प्लांट है और इसके बेशुमार और बेबहा फ़वाइद हैं जिनका अगर आपको अंदाज़ा हो जाए तो आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना शुरू हो जाएं। तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आप घर पर एक एलोवेरा का प्लांट लगा लें, आप घर पर एक एलोवेरा का गमला ले आएं और फिर आप उसमें से फ्रेश एलोवेरा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एलोवेरा ना सिर्फ हमारी स्किन के लिए बेहतरीन है, हमें मॉइस्चराइज करता है, चाहे गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, एलोवेरा जो है वो हमारे लिए एक बेहतरीन हेयर टॉनिक है, एक बेहतरीन स्किन टॉनिक है। एलोवेरा जो है वो अगर हम इंटरनली यूज़ करते हैं, जैसे कि हम एलोवेरा को जेल की सूरत में खाते हैं या एलोवेरा का जूस बनाकर पीते हैं, तो उससे हमारी बहुत सारी जो अंदरूनी मसाइल है उनका खात्मा होता है। और तो आइए व्यूअर्स, हम एलोवेरा जेल बनाना शुरू करते हैं। तो जेल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एलोवेरा की 7-8 शाखें ले ली हैं और इनको पहले रख दिया है। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये येलो कलर का सब्सटेंस है, इसको हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, ये पॉइजनस होता है। हमने इसको 2 घंटे तक रख देना है, फिर हमने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, वॉश करके और इसको खुश्क कर लेना है और फिर इसको किनारों से जो कांटेदार हिस्सा है वो काट के अलग कर लेना है और ऊपर से छिलका भी उतार देना है। अब आप छुरी की मदद से ही या किसी चम्मच की मदद से इसका जो जेल है वो स्क्वीज़ आउट कर लें और इसको बहुत ही ध्यान से स्क्वीज़ करना है आपने, क्योंकि इसका जो ग्रीन छिलके वाला पार्ट है वो बिल्कुल भी इसकी जेल में शामिल ना हो। तो आप देखते रहिए किस तरीके से मैं सारी जेल आराम से निकाल रही हूँ। जी तो ये सारी जेल मैंने निकाल ली है, अब देखें इसमें लम्स नज़र आ रहे हैं, ये अभी स्मूथ नहीं है। अब हम इसको ग्राइंडर जग में डाल के स्मूथ कर लेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब हमने इसको थोड़ी देर चलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है। अब हम इसको पहले चेक कर लेते हैं कि ये अच्छे तरीके से स्मूथ हो गई है। हाँ जी बिल्कुल ये स्मूथ हो गई है, ये जेल हमारी रेडी है। अब हम इसको सेव करके फ्रिज में रख सकते हैं, 15 से 20 दिन ये बिल्कुल ठीक रहेगी। वैसे आपने जब बनानी हो, जब यूज़ करनी हो, तो आप कोशिश करें कि आप फ्रेश बनाएं। ये हो चुकी है, यह हम किसी जार में डाल के अब हम इसको फ्रिज में महफूज कर सकते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर इस बारे में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने कमेंट्स करने हैं और वीडियो लाइक करनी है। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मैं एलोवेरा जेल से जो रेमेडीज़ हैं 1 by 1 आपके साथ सब शेयर करूँगी। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।